हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे 10,000 रुपये से कम कीमत में जिसमें पावरफुल बैटरी हो, बड़ा डिस्प्ले हो, धासू प्रोसेसर हो और शानदार कैमरे वाला मोबाइल हो जो कि मार्केट में आ चुके हैं। चलिए जानते हैं नोकिया, मोटोरोला, रियलमी, पोको, रेडमी, वीवो, सैमसंग और ओप्पो के 10,000 रुपये से कम के बेस्ट मोबाइल की कीमत और खासियत समेत प्रोसेस जानेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लेटेस्ट लुक के लिए लाते रहूं। दोस्तों हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी F12 जिसकी प्रोसेस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो बजट रेंज में सैमसंग कंपनी का यह फ़ोन सबसे अच्छा माना जाता है। तो सैमसंग गैलेक्सी F12 की खूबी की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ है। और इसके वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम वाली इस फ़ोन में सैमसंग Exynos S8 8nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। वहीं बात करें रैम की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलेगी। वहीं बात करें बैटरी की तो इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि फास्ट चार्जर पर सपोर्ट करती है। सैमसंग गैलेक्सी 8MP सेल्फी कैमरा और साथ ही 48MP प्राइमरी सेंसर वाला क्वाड रियल कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं बात करें इसकी कीमत की तो दोस्तों इसकी कीमत रहेगी 9,999 रुपये देगी जो कि बेस्ट है, जो कि 10,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लें दोस्तों सेकंड नंबर के है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे है Xiaomi जो Redmi 9 Power का है जो कि इसकी प्रोसेस बढ़िया है। तो Xiaomi के Redmi के सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसमें 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी। इसकी रैम की बात करें दोस्तों 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाली मिलेगी। इस फोन में आपको प्रोसेसर की बात कर ले तो इस फोन में कॉलकॉम स्पेंड्रम 662 प्रोसेसर लगा हुआ है। वहीं बात करें रेडमी 9 पावर के सेल्फी की, सेल्फी कैमरा आपको 8MP का मिल सकता है। वहीं रियल कैमरा आपको 48MP सेंसर वाला क्वाइट रियल कैमरा सेटअप दिया गया है। रेडमी 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि बेस्ट है, जो कि आपके लंबा समय तक चल जाएगा। वहीं बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत रहेगी दोस्तों 9,999 रुपये। अब बात कर ले दोस्तों तीसरे नंबर पे, जो लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर पे रियलमी नाजो 20 है दोस्तों, जो कि 10,000 रुपये से कम रेंज में रियलमी का ये फ़ोन बेस्ट माना जाता है। जो कि इसमें रियलमी नाजो 20 की खूबी की बात करें तो इसमें दोस्तों 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट से मिलता है। और इसमें बात करें वर्जन की तो एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के से लेंस इस फोन में। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek हेलो G85 प्रोसेसर लगा हुआ है। वहीं बात करें रैम की तो दोस्तों इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाली मिली है। वहीं बात करें बैटरी की तो इसमें दोस्तों 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। वहीं कैमरे की बात करें तो इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP वाला ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं सेल्फी की बात करें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। अब दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कीमत की तो इसकी कीमत रहेगी दोस्तों 9,999 रुपये जो कि 10,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों चौथे नंबर पर जो बात आती है पोको M3 की। बीते 2 साल के दौरान भारत स्मार्टफोन मार्केट में छा जाने वाला ब्रांड पोको के इस बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की कीमत बेस्ट फोन माना गया है। जो कि इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंच की डिस्प्ले वाले इस फोन से फोन का डिस्प्ले रिफरेंस रेट 60Hz है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 वर्जन दिया गया है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम स्पेंड्रम 662 प्रोसेसर लगा हुआ है। वहीं बात करें पोको M3 में 6GB रैम और 64GB स्टोरेज दिया गया है। वहीं बात करें कैमरे की तो इसमें फ़ोन में 8MP फ्रंट कैमरा और रियल कैमरा 48MP प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियल कैमरा दिया गया है। और इसमें बैटरी की बात करें तो पोको M3 में 6000mAh की बैटरी दी गई जो कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, जो कि सभी में जितने भी आपको बता रहा हूँ 6000mAh की बैटरी के साथ ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो इसकी अमेजोन पर और शर्त के साथ लागू रहेगी जो कि घटती बढ़ती रहेगी। जो मैं प्राइस बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि अब 9000 में मिल रही तो 9000 में तक इसकी प्राइस घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, ये अपने स्थिति पर निर्भर करता है, इसकी प्रोसेसर या सेलिंग पर प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर पे तो वीवो 10 की बात कर लेते हैं जो कि 10,000 रुपये से कम रेंज वाले वीवो का ये स्मार्टफोन बेस्ट माना जाता है।
जो कि इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले सभी की डिस्प्ले की बात करें 6.35 IPS डिस्प्ले दी गई है। वहीं बात करें रैम की तो दोस्तों इसमें 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दिया गया है। वहीं बात करें दोस्तों इसकी वर्जन की तो एंड्रॉयड 9 वर्जन इसमें OS वाले से लगा हुआ है। वहीं बात करें प्रोसेसर की तो फ़ोन में कॉलकम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं बात करें बैटरी की तो इसमें दोस्तों फास्ट चार्जर सपोर्ट करने वाली 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बेस्ट रहेगा, जो कि आपको गेमिंग खेलने के लिए जो कि प्रोसेसर अच्छा बेस्ट रहेगा। वहीं बात करें कैमरे की तो इसमें रियल कैमरा 8 MP मिलेगा, जो कि बैक 13 MP प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियल कैमरा दिया गया है। जो इसके फीचर्स है वो बढ़िया है, जो आपको पसंद आएंगे। और इसकी कीमत की बात कर ले तो इसकी कीमत रहेगी 209,990 रुपये रहेगी, जो कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। दोस्तों आज लेते हैं अगले मंथ। जय हिंद, वंदे मातरम।